पर वातावरण, इन लोगों ने अरुणाचल का जो सुंदरता को, अरुणाचल का इन्वायरमेंट को, अरुणाचल का जो कुदरत ने दिया वाला इतना सुंदर वातावरण को बचाने के लिए जिन लोगों ने भी समझकर, जिन लोगों ने भी समझकर जो इस मुहिम के लिए जिन लोगों ने समर्थन दिया है, जिन लोगों ने मन तन मन से लगा के समर्थन दिया, उसके लिए एक बार जोर से ताली लगा दीजिए। और आज का दिन में सभी लोगों को पता है कि ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर का बड़े भाई हमारा आवहारी जी, भाभी जी, जिन लोगों ने तन मन से आज जो लगभग 12 लैक्स का जो राइफल जो सरेंडर किया है, तो उसके लिए आवहारी एक्स मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, उसके लिए एक बार जोर से ताली लगा दीजिएगा, क्योंकि इतना दिन देखते तन मन से उसने भी तन मन से दिया गया है। तो उसी तरह आज ऑनरेबल मिनिस्टर के मिसेज वाइफ मेरा भाभी जी, उन्होंने भी आज अपना लोटा एक कारतूस जो बंदूक है, भाभी जी ने भी यहाँ जो सेंडर किया है। हमारा 14 लाख पॉपुलेशन इस मंच से, इस मीडिया के जरिए से सभी लोगों को पता हो कि आज एयरगन सेंडर जो है गन सेंडर अभियान में जो कन्वर्ट हुआ है वो आज भाभी जी ने भी दिखा दिया, उसके लिए भी एक बार जोर से ताली लगा दीजिए। क्योंकि इस चीज जो है जगह जगह से हमारा पशु पक्षी, हमारा जंतु जानवर, इन सभी चीजों को बचाने के लिए ये आवाज पहुंचकर और भी 17 मार्च 2021 आज लगभग 4-5 महीना चल रहा है, और भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ये अभियान जो है जब तक सांस चलेगा तब तक ये काम करके ही जाएगा। चाहे कल MLA हो या ना हो, चाहे कल एडवाइजर हो या ना हो, कल ये मिनिस्टर हो या ना हो, ये वातावरण, ये पशु पक्षी, ये इन्वायरमेंट, ये जंतु जानवर लोगों को बचाने के लिए जब तक सांस चलेगा उसके लिए आओ ममाना तुम हम दोनों यही काम करते रहेगा। ये प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए जो हमारा पेमा खंडू का लीडरशिप का अंदर में मेरा भाई मामा नतुम और कमसी भाई दोनों उसको आगे में जो लेके गया है, उसको ये दोनों तीनों को पेमा खंडू का टीम को मैं एज ए फॉर्मर मिनिस्टर का हिसाब से बहुत धन्यवाद देता है। और साथ में मेरा पीजीसी का टीम, सिंह साहब का टीम, जो फील्ड स्टाफ है, डेफो लोग है, रेंजर लोग है और दूसरा जो स्टाफ लोग जो है, उसको साथ में दिल से रख के जो इनिशिएट ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए, उसी के लिए मैंने एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिस स्टेट मैं बहुत आप लोग को भी धन्यवाद देता है। मैम, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कल आपने वॉलंटरली जो अपना कारतूस है, मतलब गन को आपने सरेंडर किया अलॉन्ग विद जो फॉर्मर मिनिस्टर हरिनाथम जी ना, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका मतलब मुद्दा, मतलब मोटिव क्या था ना जो वॉलंटरली आपने सरेंडर किया, मुद्दा क्या था, और थोड़ा आपका गन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ना, एग्जैक्टली कौन सा गन था। नहीं, इसमें ये ऐसा है कि काफ़ी समय से ये गन, एयरगन सिलेंडर का अभियान चल रहा है, तो मैं ये सोशल मीडिया में कभी देखता है, लोगों का एक दो सपोर्ट धीरे धीरे आने लग गया, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनवाइट करके उन लोग अपना से गन सिलेंडर करना शुरू किया, एयरगन सिलेंडर। उसमें अभी रिसेंटली फिर देखा है तो हम लोग का ऑनरेबल ये पुरपा सर भी एक तो अपना वो दिरंग में अपना एक लाइसेंस वाला बंदूक दिया, वो देखा तो हमको भी अच्छा लग गया, चलो कम से कम मैं भी एक तो ये कर देता हूँ अपना तरफ से। और मेरा अपना ही ये अतो लगता है, मेरा साहब का बड़ा भाई है एक्स मिनिस्टर हरिनाथम सर, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि चलो हम दोनों भी इसमें एक जुड़ता है अपना तरफ से, लाइसेंस वाला बंदूक हम लोग देता है यहाँ पे, ताकि एक बंदूक देने में, ये नहीं है कि मेरा एक बंदूक देने में बहुत सारा जानवर बच जाएगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि एक बंदूक से अगर एक जानवर हम बचा सकता है तो और लोग भी इस तरह का सोचना चाहिए। मैं इतना ही, इसमें सिर्फ मेरा एक तो
प्राउड फील एक महसूस होता है कि हाँ, मेरा बंदूक अगर हम यहाँ में डिपॉजिट कर देता है तो सरेंडर करके, तो किसी न किसी एक जानवर का तो जान बच रहा है। तो ये किसी का कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंस वाला बंदूक है। लाइसेंस बंदूक के लिए किसी को प्रेशर नहीं किया जा सकता है। अपने विलिंगली अपना अंदर से एक तो आवाज़ आया है कि नहीं, हमको भी अपना पर्यावरण को बचाए रखना चाहिए। यहाँ के जो अरुणाचल में जिस तरह हम लोग का जंगल है, इतना फॉरेस्ट का एक तो कवरेज पड़ा हुआ है, इसमें धीरे धीरे सिर्फ पेड़ पौधा कुछ दिखाई तो दे रहा है, मगर अंदर में जाता है तो कुछ ऐसा चीज़ दिखाई नहीं देता है। जो कोई चिड़िया का आवाज़ नहीं है, कोई जानवर का कोई इतना ये नहीं है। पहले हम लोग का चौथा का समय में तो घर का पास से ही इतना बंदर लोग आया करता था उसमें, तो अभी वो सब देखने को नहीं मिल रहा है। शायद ये एयरगन सिलेंडर से कुछ कुछ थोड़ा बदलाव शायद आने लगा जैसा लगता है। कभी कभी मेरा अपना ही हस्बैंड है मामा नतोंग सर, जो उसका वो हमें व्हाट्सएप भेजता है, वो लोग कोई कोई माने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अभी वो एयरगन सिलेंडर होने के बाद कुछ चिड़िया लोग यहाँ आया हुआ है, वो सब वीडियो उसका पास भेजता है, तो हम उसको देख के इतना मन अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने भी वो कोशिश किया छोटा सा एक तो अपना तरफ से एक कंट्रीब्यूट करके, ताकि लोग भी अपना आप से एक विलिंगली जो देना चाहे वो दे सकते हैं अपना पर्यावरण को बचाने के लिए। और रिसेंटली आप देख ही रहा है कि अभी कितना पेड़ पौधा कटने के बाद में जो वेदर का जो चेंजेस को आप देखिए, ये अक्टूबर का समय में दिन में इतना गर्मी नहीं है, अभी रिसेंटली कल से थोड़ा सा हल्का सा ठंडा आया बारिश होने के कारण। कितना दिन से इतना गर्मी, हर कोई बोल रहा है कि इतना गर्मी कैसे हो गया, इतना गर्मी कैसे हो गया, बिना एसी में नहीं रह पा रहा है, इतना गर्मी हो रहा है। तो ये सब चेंजेस को आप लोग समझना चाहिए कि सच में ही संसार में कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है, जो हम लोग उसको बैलेंस नहीं रखेंगे तो इस तरह का चेंजेस का हम लोग को बहुत करप से सामना करना पड़ सकता है। और अभी से ही हम लोग उसको रोक के रखेंगे तो बैलेंस में इंसान का भी, जानवर का भी, पेड़ पौधा का भी, हर चीज़ का एक बैलेंस होने से तब हम लोग आने वाला पीढ़ी के लिए शायद सुविधा होगा। मेरा तो यही मानना है, जितना हो सके। ऐसे नहीं है कि कभी हमने ऐसे जानवर को हम कभी खाया नहीं है। पहले हम लोग भी वो हंटिंग वाला चीज़ को हम लोग, क्योंकि हम लोग का यहाँ में तो एक परंपरा ही रहा है, तो उसको कोई इतना माने रोक टोक नहीं था। तो अभी जब हम लोग को समझ में आ रहा है तो हमको लगता है कि जितना भी घर बैठे हमारे हाउस वाइफ वाले, जैसे मेरे जैसे घर में ही बैठ के आप एक छोटा सा एक सपोर्टिंग एक मैसेज किसी को भी है, आप अपना तरफ से कुछ ऐसा नहीं दे पाने से भी एक घर में ही बैठ के एक मैसेज दे देने से ठीक है। अपना हस्बैंड को जो कोई शिकार करता है, जैसे आपने कहा कि उसे क्या मैसेज देना चाहिए, वो सच में ऐसा ही है। घर से ही हर चीज़ बन के जाता है। एक औरत से ही उसका एक अच्छा वो सजेशन जाएगा तो उसका पति, उसका बच्चा, हर कोई उस रूप में एक अच्छा रास्ता में होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं जितना भी औरत लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि हो सके तो आपका तरफ से भी एक अवेयरनेस तक देने से ठीक है।